तो हमें एडवाइस किया गया कि हम दोपहर से पहले लीव ना करें क्योंकि जो बर्फ है वो पिघल रही है, हमारी गाड़ियां स्किड कर सकती हैं खाई में और हम सीधा इस हाइट से भी और ऊपर जा सकते हैं। हट जा अपने अपने तरीके से लोग नीचे आ रहे हैं। बर्फ शुरुआत में काफी स्मूथ थी, ट्रेनर हमें धकेल रहा था और सीधे सर करते नीचे आ रहे थे जहाँ थोड़ी सी अनइवन थी वहां पर आके हम गिर जा रहे थे। मैगी तैयार हो गई थी, अपहिल डाउनहिल करके इतनी ज्यादा भूख लग गई थी कि पास ही में मैगी भी बन रही थी, चाय भी बन रही थी। कमो ना चाय, हमें सीधे सादे अच्छे। कम से कम 50 टू 60 की स्पीड से हम शायद नीचे आ रहे होंगे। ट्रेनर ने हमें ये भी कहा था कि लोग 150 तक कर लेते हैं। दैट इज लाइक लाइटनिंग बोल्ट। Nobody's mind. Come on, let's go. Oh, गिरने वाला, अब गिर गया। Uneven surface, जैसे कि मैंने कहा। Uneven. Oh my God. Level नहीं हो रही ना, पिघल रही है थोड़ी थोड़ी आइस। Come on. So close. लेकिन खतरा भी टला नहीं। That was a nasty drop. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। Snow रही है, amazing. साक्षी, we are so lucky. Look. आपने कभी सोचा है कि आप एक जगह पर बर्फ देखने के लिए जा रहे हो और आप जैसे ही उस शहर के अंदर घुसे, अपने होटल के अंदर घुसे, बर्फ पड़ गई। This is almost like magic. और हमें इतने खुश हुए कि हमें यकीन नहीं हुआ कि हमारे साथ ये हो रहा है। पूरे रास्ते में यही बोलते आए थे कि पहुंचते ही शायद हमें बर्फ मिले, शायद ना मिले, पर वी विजुअलाइज कि हमें बर्फ मिलेगी और हमें बर्फ मिले। जब और मेले से आसमां तो दोनों लगते हैं एक समान। हमारे इतने सारे सूट के होटल के स्टाफ ने अपनी पीठ पे लाद कर हमारे कमरों में छोड़ के आया। महारानी का हो गया लंच टाइम, अब वो करेगी थोड़ा आराम। इसमें कोई शक नहीं कि चाय तो बनती है, बारिश होती है, बर्फ गिरती है तो चाय तो बनती है और साथ में बनते हैं पकौड़े, लजीज माउंटेन रोवर के पकौड़े। पहाड़ों में रहस्य है, पहाड़ों में कहानी है, नजदीक से देखा नहीं पहाड़ तो बेकार जवानी है। बहुत एक्सपीरियंस्ड है, अगर कभी भी स्नो स्कीइंग करने आना हो ओली तो इनसे मिलना, और चैंपियन आदमी है, ब्रिलियंट ट्रेनर्स। गेस व्हाट, किसकी बारी है अब? है अभी जाओ सर, मैं पहना तो एक बार इनको देखो पहले। दबाना नहीं है, चलो आप रेडी, आप ग्लव्स पहन लो। ग्लव्स पहनने जरूरी है, अपने आप को मैं हीरो समझता हूँ ना। अब स्कीइंग का पूरा खेल मैं समझाता हूँ। आपको एक स्पेशल बूट दिए जाते हैं, उस बूट में आप पैर डालते हो, पैर डालने के बाद आप उन बूट्स को इन ब्लेड्स पे क्लिक करते हो, 100 बार गिरते हो, बैलेंस करना सीखते हो और फाइनली आप उड़ना सीख जाते हो। अक्षय ने उठाई थार देहरादून से, 4 दिन के लिए बुक कर ली थी, फिर हम निकले ओली की तरफ, 4 लोग और एक बच्चा। खाना चॉकलेट? चॉकलेट नहीं खाएगा? हाँ, नहीं खाएगा। रस्ते में जेसीबी
पहाड़ी रास्ते में काम चल रहा था जोरों से, जिसकी वजह से जोशीमा की दीवारें हिल गईं, पहाड़ टूट गए, घरों में क्रैक आ गया, होटल में क्रैक आ गया, जोशीमा के लोगों का और टूरिज्म का बहुत नुकसान हुआ। आगे जो गाड़ी जा रही है वो एक अजूबे द्वारा चलाई जा रही है, वो हमारा ड्राइवर जिसको हमने हायर किया, और उस गाड़ी को हमने लगेज की गाड़ी बना के छोड़ दिया और हम सब थार में ट्रेवल कर रहे थे। लोग कहते हैं थार में ट्रेवल करना बहुत मुश्किल है, अजी हाँ मुश्किल है, बड़ा मजा आया। हम चार एडल्ट थार में बैठ गए इंक्लूडिंग एक बच्चा और मजे से ओली तक पहुँच गए। नीचे गंगा नदी जा रही है, ट्रक बकरी में वो देखो अजूबा जा रहा, अजूबे खोल डालूंगा। कुड़ी कहंदी पहले थार ले लवो फिर चाहे जिन्ना प्यार ले लवो। कुछ टूटी सड़कें आई, हाँ झरने आए, हाँ लेकिन पहले से रोड इतनी ज्यादा चौड़ी। ऑयलिंग अभी सीधा चढ़ाई चढ़ाई 16 किलोमीटर बंदी कर रखा है जोशी मेट्रो। कितना किलोमीटर? 16। हाँ वो प्रॉपर टाउन होगा। हाँ वो प्रॉपर टाउन होगा हमारा। आ गए हम IDPP के इलाके में। I love you. No! Oh, safar nama. चला दे भी। क्या चला दे? गाना। Eat what? You have to put this inside your throat and you can find your tummy. It will not be spicy. I don't want to eat it. Can I just lick it? बर्फीली पहाड़ियों के पीछे हमारे देश के जवान एक हफ्ते से कैंप कर रहे थे अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए। ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हुए वो पहाड़ी के इस तरफ स्कीइंग ग्राउंड में आकर अब स्कीइंग की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद। पानी मौसम खत्म हुआ और निकली धूप। जिंदगी को पिघलती बर्फ, जिंदगी को पिघलती बर्फ के नजरिए से देखा तो पाया कुछ पिघल चुकी है कुछ बाकी है। पिघली बर्फ तो पानी है, बहकर अपनी राह चली जाएगी। अब उस बची हुई बर्फ में ही जाने कुछ उम्मीदें तलाशता हूँ, ना जाने कब ये भी बहकर अपनी राह चली जाए। तो हमें एडवाइस किया गया कि हम दोपहर से पहले लीव ना करें क्योंकि जो बर्फ है वो पिघल रही है। तो क्या हमारी गाड़ियाँ स्किड कर सकती हैं खाई में और हम सीधा इस हाइट से भी और ऊपर जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले दिन धूप निकल आई, बर्फ रुक गई और सारी बर्फ जो पहले से पड़ी थी मेल्ट होनी शुरू हो गई। जब बर्फ मेल्ट होती है तो बहुत स्लिपरी हो जाती है। पेपा पिग, बच्चे मन के सच्चे पर अकल के कच्चे, इनको कैसे पता हम किन हालातों में इस रेस्टोरेंट तक पहुंचे। 12 बजे तक का चेकआउट था क्योंकि हमें सेफली जाना था, तो पहले पी हमने चाय, फिर पिया हमने शरबत, जरूरत नहीं थी पिया लेकिन, फिर अंडा। कुछ लोगों को अंडा काटना नहीं आता लेकिन तब भी वो छुरी कांटे का इस्तेमाल करते हैं। और बर्फ में हमें कहीं ना कहीं मिल गई इडली सांभर, जिसने रखा हमें कोजी, लक्स कोजी। आखिरी दिन था हमारा ओली में, तो मैंने सोचा कि आखिरी दिन सूर्य उदय होने के बाद जितना ज्यादा फन हो सकता है एक ही बारे में कर लो। तो मैं कूदा और कूदा, बहुत कूदा। माउंटेन रोवर एक बहुत ही क्लासिक होटल है, सारी फैसिलिटीज यहाँ पर है, पास ही में स्की ग्राउंड है, ज्यादा दूर चलने की जरूरत नहीं, और यहाँ का स्टाफ इतना हेल्पफुल है, इतनी बढ़िया हॉस्पिटैलिटी है कि अगर मैं किसी को भी रिकमेंड करूंगा तो माउंटेन रोवर को करूंगा, क्योंकि इनके स्टाफ ने जी जान से हमारी सेवा की और हमारी काफी अच्छी दोस्ती भी होगी। गंगा नदी के किनारे हमारा कमरा पीपल कोठी में हम आज रात रुकेंगे और ये उठा दिया है।
और सृष्टि ने छोड़ दिया, सृष्टि ने उठा दिया है, अक्षय ने छोड़ दिया। आखिरी दिन बिल्ली हमारा स्वागत करने आई थी, बाय बिल्ली। ओली से नीचे उतरते हुए काफी टूरिस्ट ऊपर आ रहे थे, सरकारी गाड़ियां भी लगी हुई थी स्नो हटाने में, बर्फ पिघल रही थी और रोड स्लिपरी थी, मोटर बाइक तक आई हुई थी, लोग लगे हुए थे एक दूसरे की मदद करने में। और फाइनली हम नीचे की तरफ बढ़ते गए, बकरियों ने हमारा स्वागत किया और हम पहुंच गए पीपल कोटी गंगा के किनारे। ये मेरा परिवार, वही हमारा कमरा है और ये रही गंगा। वो आ रहे हैं ओनर ऑपरेटर रिवर साइड होम स्टे के, यही मालिक है और यही सर्विस देते हैं। इनकी बढ़िया सर्विस के कारण हम यहाँ दूसरी रात बिता रहे हैं। इन्होंने कहा कि तुम नीचे चले जाओ और मैं तुम्हारे लिए चाय ले आऊंगा, और चाय कैरी करना कोई आसान बात नहीं है वहाँ पर। सर ये पत्थर जो है ना, ये सब फिसलने वाले, ये जो जी। गंगा के किनारे चाय, थैंक्स टू अंकल। अंकल इस एरिया के रिपोर्टर भी हैं, जर्नलिस्ट। चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है, मगर ये चाय तो हर वक्त अच्छी लगती है। ये चाय की मोहब्बत तुम क्या जानो, हर एक घूंट में अलग ही नशा है। अंकल जा रहे हैं वापस ऊपर, हम अपनी चाय पीकर उन्हें ऊपर ही मिलेंगे और फिर लंच ऑर्डर करेंगे। बिस्कुट खाओ, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के कारण आप अपना रबिश साथ लेके जाओ। वहाँ के छोटे छोटे बच्चे कितने ताकतवर है। ये छोटी सी लड़की ने एमवी को उठाकर अप हिल कच्चे रास्ते से ऊपर ले गई। अब ये शैतान लड़का क्या बोलेगा देखना। मजाक करता है। वो रही गंगा और ये रहा मैगी, क्या कॉम्बिनेशन है बाप। ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं, मैगी के बगल में ही गंगा। अगर बनाना हो मैगी को तो आप गंगा नदी के बगल में जाकर कुछ लकड़ी इकट्ठी कर वहीं आप मैगी बना सकते हैं। भोटिया कुत्ते एक बेहद ताकतवर और होशियार नस्ल है, इसको देखो जैसे ये इस पहाड़ का मालिक हो, ताजी हवा का लुफ्त उठाते हुए। मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ पतंग साथ लेके जाता हूँ। डीकैथलॉन से मैंने 550 रुपए की एक पतंग खरीदी, वो तो उड़ी नहीं, लेकिन ये मेरी न्यूजीलैंड वाली पतंग आसानी से उड़ गई। हवा कभी चल रही थी कभी रुक रही थी, उस वजह से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाई, पर मजा तो आ ही जाता है ना। अक्षय दादा, कैन यू प्ले विद मी? होटल ओनर के किराएदार के बच्चों के साथ एमवी की दोस्ती हो गई, दो दिन अच्छे बीते, 3 से 4 बच्चों की टीम बन गई थी तो फुल एंजॉय किया। कल सुबह वापस जाना है तो हम ज्यादा से ज्यादा टाइम नदी में बिता रहे हैं। ये ट्रिप की हाईलाइट रहेगी कि गंगा के किनारे हमारा स्टे और बर्फीले पहाड़ों में हमारा एडवेंचर। सच की झीलों का शहर हो, उसमें अपना भी एक घर हो। आर्मी का कॉन्वॉय पहाड़ों की तरफ बढ़ रहा है, हमारी खुश नसीबी की हमें आर्मी का कॉन्वॉय देखने को मिला। बोलेरो वाले हमेशा जल्दी में रहते हैं। भानु, बोलेरो वाले भानु, आराम से चला भाई। भानु। Let it.